हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको चार रेसिपी एक साथ दिखाने वाले हैं सुबह की नाश्ते की, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। और ये सारे रेसिपीज टेस्टी भी है और बहुत ही हेल्दी है और एकदम फटाफट बन जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हमने 1/4 कप बेसन लिया है और बेसन में हम पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे क्योंकि बैटर ज़्यादा पतला नहीं हो जाना चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए बेसन की। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच गाजर जो हमने ग्रेट कर लिया है। इसे हमने काटा नहीं है, इसे हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है ताकि ये बहुत ही पतला पतला हो जाए और ये कुक होने में बिल्कुल ज्यादा टाइम ना लगे। 1 छोटा सा प्याज हमने बिल्कुल छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है, वो भी डाल देंगे। और 1 छोटा साइज का टमाटर भी हमने छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च हमने बारीक करके काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं और आपके बच्चों को मिर्ची पसंद नहीं है तो आप ये अवॉइड कीजिए। और फिर हम इस पूरे मिक्सचर को मिला लेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे मिलाएंगे। बैटर ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। और यहाँ पर हम डालेंगे अभी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और फिर से इसे मिला लेंगे अच्छे से। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे रेस्ट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर ये नरम लगे तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कीजिए, और अगर ये ज़्यादा मोटा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। अब पैन में हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल ले लिया है, तेल हम गरम कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें हमने जो बैटर बनाया है वो हम 1 चम्मच से डाल देंगे। हम यहाँ पे छोटा छोटा ही चिल्ला बना रहे हैं, आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं। और पैन के हिसाब से हम ये डालेंगे, यहाँ पे हम 4 चिल्ले तो आराम से दे ही सकते हैं। ये एक बहुत ही जल्दी होने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी भी है। और जो कि हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है तो आप कह सकते हैं कि ये हेल्दी भी है, और तेल भी हम बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो 1 साइड से इसे फ्राई होने देंगे और फिर हम इसे पलट देंगे, पलट के हम दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। हर 1 साइड फ्राई होने में लगभग 1.5 मिनट करके लगेगा मीडियम फ्लेम में। तो पलट पलट के हम दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए चिल्ला बिल्कुल रेडी है दोनों साइड से फ्राई होके। तो इसे हम अभी कढ़ाई से उठा लेंगे। ये देखिए चिल्ले बनके हमारे तैयार है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है ये नाश्ता। एक हम आपको काट के दिखा देते हैं अंदर का टेक्स्चर इसका कैसा आया है। ये देखिए बिल्कुल वेजिटेबल्स से भरे हुए है। इसे आप सॉस के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। ओट्स खीर बनाने के लिए पहले हम एक पैन में दूध गरम करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। आप अगर चाहे तो आप इस रेसिपी में स्किम मिल्क का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें फैट कम रहता है तो ये ज़्यादा हेल्दी होता है। दूध को हम उबालेंगे, दूध जब उबलने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे ओट्स। यहाँ पे हमने 1/4 कप ओट्स डाला है, तो 1 कप दूध में हम 1/4 कप ओट्स का यूज़ करेंगे। तो आप इसी प्रोपोर्शन से ये रेसिपी कुक कीजिए। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 5 से 6 किशमिश, आप किशमिश के टुकड़े करके भी दे सकते हैं। और 7-8 काजू भी हम टुकड़े करके यहाँ पे डाल रहे हैं। आप यहाँ पे पिस्ता आमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और सारे नट्स जो है वो सारे आप पाउडर बना करके भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू का ही यूज़ किया है क्रश करके। तो दूध को बहुत अच्छे से उबालने देंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम बिल्कुल लो मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए और साइड में ये चिपक ना जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट ये कुक करने से ही हो जाएगा। और आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे नट्स के बदले आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स जैसे केला बेरीज ये सारे चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कैसा थिक हो गया है। तो ये ओट्स खीर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने शुगर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है तो ये बहुत हेल्दी भी है। तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच शहद, इससे ये मीठा भी हो जाएगा टेस्टी भी हो जाएगा लेकिन बहुत हेल्दी भी रहेगा।
तो ये अगर आप बच्चों को देंगे तो वैसे ओट्स बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये रेसिपी उन्हें बना के देंगे तो ये उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। और ये बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये टेस्टी भी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो भुर्जी पाव बनाने के लिए पैन में पहले हम थोड़ा सा बटर गरम कर लेंगे, और बटर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम ब्रेड टोस्ट कर लेंगे। हर एक साइड को हम 30-40 सेकेंड्स तक टोस्ट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। पलट के दूसरा साइड भी हम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टोस्ट हमें नहीं करना है और फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। इसे हम इसी प्रोसेस से टोस्ट कर लेंगे। अभी हम ब्रेड्स के टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे करके। यहाँ पे हमने छोटे साइज के ब्रेड्स लिए हैं, तो इसलिए हम एक ब्रेड के चार टुकड़े कर रहे हैं। अगर आप बड़ा साइज का ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके और भी ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ये कीजिए। तो सारे ब्रेड्स के हम ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, और उसमें हम डाल रहे हैं लहसुन जो हमने बारीक करके काट लिया है, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, ये भी हमने बारीक करके काट लिया है। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें। तो हरी मिर्च और लहसुन को हम थोड़ा सा भून लेंगे लगभग 40-50 सेकेंड्स, और फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर को भी हमने थोड़ा छोटा छोटा करके ही काट लिया है। गाजर फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए हमने गाजर पहले ही दे दिया है। आप यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे दे रहे हैं प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बिल्कुल बारीक करके चॉप कर लिया है। और टोमेटो हमने एक छोटा साइज़ का टोमेटो चॉप करके यहाँ पे डाला है। तो इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। सारे वेजिटेबल्स हमारे जो है वो पक जानी चाहिए, यानी थोड़ा नरम हो जाना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। हमने पहले नमक का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और फिर से हम इसे पकाएंगे, फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ हमारी पक के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस यहाँ पे ऑप्शनल है, ये हमने कलर और थोड़ा फ्लेवर होने के लिए यहाँ पे डाला है। अब इन सॉस के साथ इन सारी सब्जियों को हम थोड़ा कुक कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम ब्रेड्स के टुकड़े भी डाल देंगे। और फ्लेम को हम यहाँ पे बिल्कुल लो पे रखेंगे, वरना ये ग्रेवी बिल्कुल सूख जाएगा। और फिर हम धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्रेड्स के साथ इन सारे मसालों को मिला लेंगे। तो ये देखा आपने, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो वेजिटेरियंस के लिए ये तैयार हो गया डिश। अब हम इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट देंगे जो कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। यहाँ पे मैंने पहले से ही 2 अंडे की भुर्जी बना के रखी थी, तो वो भुर्जी हम इसमें डाल देंगे, और फिर इस भुर्जी को भी हम इसके साथ मिला लेंगे। इससे टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए टोटल लगभग 15-20 मिनट का टाइम लगता है। ये बहुत ही जल्दी फटाफट से हो जाता है, और ब्रेड जो है वो बिल्कुल ही नरम रहता है इस रेसिपी में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपके बच्चों को दें, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। अब हम ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही आसान है, सिर्फ 2-3 मिनट में ही बन जाती है। यहाँ पे हमने पहले एक अंडा लिया है, और अंडे को हम पहले बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। इसे आप व्हिस्कर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चम्मच का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से हमने पहले फेंट लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं बारीक कटे हुए प्याज, 2 चम्मच हमने लिया है बारीक कटे हुए प्याज। टमाटर भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच, और 2 हरी मिर्च भी हमने बहुत छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें। और यहाँ पे हम देंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम यहाँ पे देंगे 1/4 चम्मच जितना, और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अभी एक पैन में हम तेल गरम करेंगे। यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच जितना हमने तेल डाला है और तेल हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेके ये जो मिक्सचर है इसमें लगा लेंगे। जो प्याज टमाटर है वो सारे चीज़ें इसमें हम पहले नहीं लगाएंगे, दोनों तरफ से सिर्फ अंडे का कोटिंग हम कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। और जब पैन का तेल गरम हो जाए तब हम इसमें इसे छोड़ देंगे ऐसे। और फ्लेम को यहाँ पे हम लो मीडियम पे रखेंगे। अब एक चम्मच से हम धीरे धीरे जो मिक्सचर हमने बनाया है वो उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। इससे प्याज टमाटर और हरी मिर्च की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी ब्रेड के दोनों तरफ से। अगर हम पहले ही सारे चीज़ें उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये ठीक से दोनों तरफ से कोटिंग भी नहीं होगा और सारे चीज़ें अलग अलग हो जाएंगे और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इससे ब्रेड ऑमलेट बहुत ही अच्छे से बनती है। तो इसे हम अभी पलट देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। और प्याज टमाटर बहुत ही बारीकी से काटे थे हमने तो ये फ्राई होने में बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो यहाँ पे अंडे के बदले बेसन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे साइड में भी हम मिक्सचर जो है वो डाल देंगे प्याज टमाटर के, और इसे हम पलट के दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट। ख्याल रखिएगा ये जल नहीं जाना चाहिए। तो दोनों साइड से पलट पलट के इसे हम फ्राई कर लेंगे। और एक अंडे से आप 2 ब्रेड आसानी से बना सकते हैं। और मेरी यहाँ पे टिप्स है कि अगर आप ज्यादा करके ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप एक साथ सारे अंडे मत लीजिए, एक एक करके अंडे में 2-2 करके ब्रेड जब बनाइए, इससे कोटिंग भी अच्छी होगी। वरना ब्रेड फ्लफी होते हैं तो वो सारे अंडे 1-2 ब्रेड में ही सोख कर जाएगा और बाकी के ब्रेड्स में कोटिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं होंगे। तो मिनटों में ये रेसिपी तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।